Namaste, Sridhar Rathi this side, and I welcome you all to yet another video on my YouTube channel. पिछले हफ्ते हमने एक वीडियो डाली थी जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर एंड उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. एंड वही वीडियो जब मैंने अपने घर में भी दिखाई तो मुझे पता चला कि मेरे घर में भी एक ऐसा एग्जाम्पल था मेरी बुआ का जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और प्रोत्साहन करने लायक था. और इसी के लिए मैंने उनकी एक वीडियो बनाई है एंड इसी के बाद में वो आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूँ. सबसे बेस्ट पार्ट इस इंसिडेंट की मुझे ये लगी थी जो मेरी बुआ की आत्मकथा थी कि उस जमाने में रहकर जब महिलाओं और पुरुषों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर था 50 साल पहले आज से, तो उस जमाने भी उनको जो रिस्पेक्ट, उनको जो समानता मिली, उनको अपनी मर्जी का करने की आज़ादी मिली, वो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए सीना गदगद और चौड़ा करने वाली बात थी. एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखना. एंड हियर वी गो. मैं आभा तापड़िया जोधपुर से, मारवाड़ी लड़की हूँ. मारवाड़ी घर में जन्म लिया है मैंने, लेकिन मैं कुछ बातें मेरी खुद की पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे भतीजे की कोई डिबेट चल रही थी लड़कियों को अपब्रिंगिंग कैसे करना है, लड़कों को क्यों, लड़कियाँ ही है ना डॉल, पिंक डॉल के कपड़े मांगती है या रूम को पिंक करवा दो, क्यों लड़कियों को ही साथ में किचन सेट ला के दे दो और लड़कों के लिए ब्लू और खेलने के लिए कारें या बैट बॉल, तो है ना लड़कियों की अपब्रिंगिंग ऐसे होती है. लेकिन मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहूंगी कि मेरी अपब्रिंगिंग ऐसे रियली में हुई नहीं कि जिसमें मेरे को पिंक कपड़े ही पहनना जरूरी है या है ना डॉल से मैं कभी नहीं खेली, किचन सेट से भी मैं कभी नहीं खेली. मैं एज अ मेरा छोटा भाई था, एज अ हम दोनों भाई बहन करीब करीब बराबर के ही थे, एक साल का फर्क था, तो हम दोनों की अपब्रिंगिंग सेम हुई. तो वहाँ पे जो भाई वाले सारे गेम्स थे, इवन मैं आरएसएस में भी जाती थी भाई को लेके, क्योंकि लड़कियों को अलाउ नहीं था, तो भाई को लेके और उस साइड में खड़े रह के और वो आरएसएस का करती थी सारे गेम है ना लड़कों को खेलती थी, और उस भाई के फ्रेंड्स के साथ खेलती थी. इवन कभी कुकिंग का भी काम नहीं सीखा ना मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया. वो पीरियड्स के 3 दिन होते हैं ना उसमें भी मेरे को किचन में जाना अलाउ था, जबकि मैं अपने दादा दादी के साथ रहती थी. मैं सिर्फ भगवान को और किचन में काम नहीं करती थी, लेकिन हाफ वे तक किचन में जाती थी, बर्तन रखती थी, सब कुछ करती थी. तो और इवन मैं आपको बताऊं, आज से मैं 52 इयर्स की हूँ, 52 साल की हो गई हूँ, और उस समय लड़कियों को बाइक चलाना बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली माना जाता था. मैं जोधपुर में ऐसी लड़की थी जिसने यामा चलाई, मैं जोधपुर की पहली लड़की थी. सब लोग आके मेरे पापा को बोलते थे, ओम जी थानी बेटी बाइक चला रही है. पापा जी कहते क्या हुआ, क्या हो गया बाइक चला रही है. ऐसे लोगों ने आके कंप्लेन करते थे कि ये बाइक चलाती है, जबकि मेरे घर में इतनी आजादी थी, मेरे को लड़के के जैसे मान सम्मान से जिया जाता और शुरू से बाल मेरे बॉब कट रहे, और मतलब मेरी अपब्रिंगिंग को कह सकती हूँ कि बहुत ही सुंदर अच्छे तरीके से हुई. इंग्लिश मीडियम स्कूल में, जबकि मेरे दादाजी ने बोला इंग्लिश मीडियम में लड़की को क्यों एडमिशन कराना चाहिए, तो मेरे पापा मम्मी बोले नहीं लड़की हुई तो क्या हुआ, इसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे. मेरे को मेरे भाई को साथ में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया था, और वो हम क्योंकि एक साथ थी, मैं बड़ी होने के बाद मेरा एडमिशन लेट हुआ, भाई का जल्दी करा, फिर भी हम दोनों सेम क्लास, कॉलेज, स्कूल लाइफ पूरा साथ में किया, तो कभी मेरे को लड़की होने के लिए एहसास ही नहीं हुआ, और कभी मैंने किचन में काम करना सीखा नहीं, सब ऑटोमेटिक ही अपना भी मेरे दादी के साथ कुछ कुछ करके देख देख के सीख गई थी. तो वो मेरा अपना मेरे मैंने कभी भी सिलाई कढ़ाई बुनाई ये मेरी मम्मी ने कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया कि तू ये निकाल, और मुझे आज भी बटन लगाना नहीं आता, सिलाई करना नहीं आता, लेकिन बाकी मैं हर फील्ड में मैं होशियार हूँ ये कह सकती हूँ. मैं कहीं पे भी किधर भी बात कर सकती हूँ, ये सब चीज की मेरे को आजादी मिली. मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मारवाड़ी घर में जन्म लेने के बाद भी मेरी अपब्रिंगिंग एज अ बॉय चाइल्ड के जैसे हुई. थैंक यू.